Hello, children. As you can see, this is social study, page number 7. This is very important to know about this. This lesson contains information only about you. Here we will learn something that's only belongs to you. Okay? So this is page 7. Let's start reading. How you have planned to arrange your birthday party means आपने अपना birthday party arrange करने का plan कैसे किया है. Okay, so it's all about your birthday party. So let's read question number 1. Where will you arrange the party? आपको पार्टी कहाँ अरेंज करना है, घर पे, होम और इन होटल्स. ओके, जस्ट यू हैव टू डिसाइड. अगर यू हैव टू अरेंज योर बर्थडे पार्टी एट होम, देन यू हैव टू राइट होम वन वन वर्ड. यू नीड टू राइट वन वर्ड आंसर ओनली, होम. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. This is second question. Name the things you would like to serve your friends in the party. अपने पार्टी पे अपने दोस्तों के साथ क्या सर्व करना चाहते हैं. I hope आप लोग सोचते होंगे कि अपने दोस्तों को पार्टी में क्या सर्व करें. But I can give you some idea, and if you like one of them, you can write here. Like chocolates or ice creams, sweet dish. Okay, and if you like something, then you can serve. Okay, just so I am giving you some examples. I have given you some examples, and anyone you write. Okay, you can choose, you can select anyone and you can write one of them. Okay, now question number 3. Have you prepared a list of your friends and relatives to invite it. क्या आपने लिस्ट तैयार कर लिया है दोस्तों का और रिश्तेदारों का जिसे अपने पार्टी पर बुलाना चाहते हैं. So question is very easy and its answer should be yes. Okay? So answer is yes. Question number 4. Prepare a list of return gifts to be distributed among your friends. Okay, so यहाँ पे एक list of return gifts to be distributed among your friends. एक list बनाना है return gifts का जो कि आप अपने दोस्तों के बीच बांटेंगे. So I can help you in making such list. Like you know, I can give you options. Like you know, just आपके दोस्त आपके एज के होंगे, देन यू कैन सर्व, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट देम कलर पेंसिल्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, शार्पनर और एज ए रिटर्न गिफ्ट गिफ्ट यू कैन, यू शुड गिव समथिंग दैट कैन बी यूज्ड बाय योर फ्रेंड. ओके, सो आई विल सजेस्ट a stationery item is very good, or related studies, any item that is related to studies, so that is very good. If you can give them a storybook, nice storybook, so it is very good. Okay, it's depend on you. Just I want to write here pencil. Okay, because वो जब भी pencil से लिखेंगे he or she will remember of you.
एंड नंबर 5 मेक इनविटेशन कार्ड्स फॉर योर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको खुद से इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए कहा गया है। इट्स वेरी सिंपल, टेक ए पीस ऑफ पेपर ओके एंड जस्ट ड्रॉ सम फ्लावर एंड राइट माय डियर फ्रेंड आई विश टू इनवाइट यू ऑन माय बर्थडे पार्टी थैंक यू योर फ्रेंड। और यहाँ पे नीचे भी अपना नाम लिख दीजिएगा, ऐसा कुछ भी यू कैन डू इट योर सेल्फ। जस्ट इमेजिन एंड जस्ट ट्राई टू डू समथिंग। नाउ इट्स टाइम टू लर्न सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इम्पॉर्टेंट टर्म्स का मतलब होता है कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड लाइक अरेंज। फर्स्ट इज अरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित करना, व्यवस्था करना। अरेंजमेंट सजाना भी होता है ओके तो यहाँ पे होता है व्यवस्था करना। टू प्लान और ऑर्गेनाइज समथिंग इन एडवांस, यानी कि पहले से किसी चीज का तैयारी करके रखना। नंबर 2 रिलेटिव्स। रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार, जैसे फॉर एग्जांपल्स अंकल आंट ओके एंड ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर लाइक दैट। 3 डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। टू गिव थिंग्स टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोगों में बांटना। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टर्म। इन्विटेशन। इन्विटेशन का मतलब होता है निमंत्रण। ए स्पोकन और रिटेन रिक्वेस्ट टू डू समथिंग,